गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में सूर्य ताप को समझने की कोशिश की थी कि सूर्य ताप क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ कहाँ इसका वितरण है। सूर्य ताप के अनुसार ग्लोब की पेटियों को हमने समझा था, कौन सी शीतोष्ण कटिबंध की होती है, कौन सी शीत कटिबंध की होती है और कौन सी उष्ण कटिबंध की होती है। इन सभी चीज़ों को समझने के बाद आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? तापमान और आज का महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य ताप और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वितरण को, ठीक है, सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन सूर्यताप और एंड लिख सकते हो टेम्परेचर, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सूर्यताप कई चीज़ों से प्रभावित हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में गर्म हवाएं आ रही है तो वहां का तापमान बढ़ेगा या घटेगा, सिंपल सी बात है। गर्म हवाएं आ रही है तो वहां का तापमान बढ़ जाएगा, तो सूर्य ताप से ही नहीं बढ़ता तापमान, गर्म हवाएं आती है तो भी तापमान बढ़ जाता है। हमारे गर्मी में जो 50 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है, 49-50-48 डिग्री तक तापमान जो पहुंच जाता है, उसके पहुंचने का एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमारे यहाँ पर पश्चिम में रेगिस्तान से गर्म हवाएं चलती हैं, इसको लू कहते हैं, ठीक है। सर्दी के दिनों में शीतलहर आती है, हालांकि हिमालय के अवरोध के कारण वो नहीं आ पाती है साइबेरियाई क्षेत्रों से, लेकिन अगर वो आ जाएगी तो हमारे यहाँ का तापमान और ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कारण भी अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई पर्वत है, बड़ा पर्वत है, विशाल पर्वत है, पर्वत के सूरज किधर से निकलता है, पूर्व की तरफ से, तो पूर्व की तरफ से मान लीजिए सूरज उदय हो रहा है, पर्वत बीच में है, तो पर्वत के सम्मुख ढाल, जो पर्वत के सामने वाला ढाल है, जो पर्वत के, जैसे मान लीजिए मेरे सामने यहाँ पर लाइट लगी हुई है, तो मेरे आगे का जो ये भाग है ये चमक रहा है इस लाइट के उजाले से, लेकिन जो पीछे का भाग है वो एकदम से अंधेरा है वहाँ पर, तो सूर्य के सामने जो वाला भाग होगा वो जल्दी गर्म होगा, पीछे तापमान कम पाया जाएगा, तो तापमान को प्रभावित करने वाला एक ये भी कारण हुआ। जल और स्थल की स्थिति, जल और स्थल दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। सूर्य का तापमान जल पर भी पड़ता है, पृथ्वी पर यानी कि स्थल पर भी पड़ता है। स्थल पर तापमान अगर सूरज का पड़ेगा तो क्या होगा, स्थल पर तापमान पड़ेगा तो स्थल धीरे धीरे नहीं बल्कि जल्दी से गर्म हो जाएगा, क्योंकि वो तापमान को क्या करता है, अवशोषित करता है। जबकि पानी वहीं पर रखा होगा तो पानी इतनी जल्दी जो है गर्म नहीं होगा, पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा क्योंकि पानी क्या कर देता है, परावर्तन कर देता है किरणों का, वो अवशोषित ही नहीं कर पाता, धीरे 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 अवशोषित होता है, तो पानी भी धीरे धीरे गर्म होता है। अक्सर देखिएगा आप गर्मियों के दिनों में एक परात में पानी भर कर रख दीजिए, आप बाल्टी में पानी भर करके रख दीजिए और उसी के पास में एक पत्थर भी रख दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, पत्थर 5 मिनट के अंदर गर्म हो जाएगा, पानी 5 मिनट के अंदर गर्म नहीं होने वाला। पानी को गर्म होने के लिए लगभग 4 से 5 या 6 घंटे चाहिए, जब पानी गर्म होगा, जबकि पत्थर 5 या 6 मिनट में ही गर्म हो जाएगा। तो इसके हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझे कि जो है पृथ्वी यानी कि स्थल जल्दी गर्म होता है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है, ये एक कारण है। इसके अलावा और क्या कारण है, और महत्वपूर्ण कारण जो है दिन और रात की अवधि। दिन और रात की अवधि के अंतर्गत क्या है, देखिए दिन में बहुत ज़्यादा तापमान होता है, रात को बहुत कम तापमान हो जाता है, यानी कि सूरज की स्थिति के अनुसार, सूरज होगा तो तापमान होगा, सूरज नहीं होगा तो तापमान नहीं होगा।
ये सारी चीज़ें हैं जो तापमान को प्रभावित करती है। एक ये भी है समुद्र तल से ऊंचाई, जितने ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, जितने नीचे जाएंगे ज़मीन के अंदर तापमान बढ़ता जाएगा, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र होता है समुद्र के पास, देखिए तापमान ज़्यादा भी नहीं पाया जाता, कम नहीं पाया जाता, सम तापमान पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र और जल आपस में लेन देन करते रहते हैं हवाओं का। दिन के अंदर क्या होता है, समुद्र का तापमान कम रहता है, स्थल का तापमान ज़्यादा रहता है, तो जहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ वायु दाब कम हो जाता है, तो उधर की तरफ हवा आती है, समुद्री पवने चलती है। रात को क्या होता है, रात को समुद्र का तापमान ज़्यादा रहता है, स्थल का तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ पे वायु दाब कम हो जाता है, तो हवाएं ऐसे चलती है। तो ये क्या है, वहाँ पे सम तापमान पाया जाता है, सम वायु दाब की स्थिति होती है, इस वजह से वहाँ तापमान ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन समुद्र से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तापमान में गड़बड़ी होती जाएगी, तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये सारे कारण हैं, इन सभी को हम एक एक करके डिटेल से अभी पढ़ लेते हैं। तो पहला कारण लिखिए, तापमान और सूर्य तप को प्रभावित करने वाला पहला कारक लिखिए, समुद्री तल से ऊंचाई, समुद्री तल से ऊंचाई। देखिए हम ऐसे ना लिखे, इसमें ऐसे लिखेंगे हम, सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर प्रति एक सौ पैंसठ मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है, जबकि समुद्र तल से नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर पर एक डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अतः स्पष्ट है कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। स्पष्ट है कि समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, समुद्र तल से नीचे जाने पर तापमान घटता नहीं बढ़ता है, तो कहा जा सकता है कि समुद्र तल से ऊंचाई तापमान को प्रभावित करने वाला इंपॉर्टेंट कारक है। उदाहरण आप इसमें लिख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हिमालय पर्वत, ठीक है, माउंट आबू लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट लिख सकते हैं, ये सब जो है तापमान को प्रभावित करने वाले इम्पोर्टेंट कारक है। यहाँ ऊंचाई पर जाते हैं हम तो तापमान घटता है, बहुत से क्षेत्रों में तो बर्फबारी भी हमको देखने को मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका जल्दी से। चलिए दूसरा लिखिए आप, समुद्र तट से दूरी। समझ लीजिए इसको। देखिए सामान्यतः हम जैसे जैसे समुद्र तट के पास रहेंगे तापमान सम बना रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा हमारा जो समुद्र का तट है कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर के नीचे जाइए केरल, केरल से फिर बंगाल तक चले जाइए, पश्चिम बंगाल तक। समुद्र का तट जो भारत का ये है, ये वाला, ये भारत का जो समुद्र का तट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस पूरे इलाके में सर्दी कभी भी नहीं पड़ती है, ठीक है। आप कभी भी देख लेना, चाहे फिल्मों में देख लेना, चाहे जाकर के देख लेना, चाहे किसी से पूछ करके देख लेना, आपके रिलेटिव्स अगर यहाँ पर रहते हैं समुद्र के किनारे, तो जब भारत में सर्दी पड़ती है यानी कि दिसंबर नवंबर जनवरी फरवरी इस चार महीनों में जो सर्दी पड़ती है भारत में, यहाँ के लोग कभी भी आपको कोट पहने हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा सम रहता है, ठीक है। भारत में जब लू चलती है उत्तरी भारत में तब भी यहाँ का तापमान 25 से 30 के बीच में रहता है, भारत में जब सर्दी पड़ती है तब भी यहाँ का तापमान 20 से 25 रहता है, ठीक है। ज़्यादा अंतर यहाँ के तापमान में नहीं आता, उसका कारण क्या है, समुद्र से निकटता। समुद्र से निकटता क्यों है, क्योंकि समुद्र और जल के तापमान में जो है अंतर पाया जाता है, और समुद्र जल्दी गर्म नहीं होते, स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, ये इसका कारण है। वहाँ से पवनें इधर चलती है, इधर से पवनें इधर चलती है। दूसरी बात, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प उत्पन्न होता है समुद्र से, वाष्प करके वहाँ वर्षा कर देता है, तापमान वायुदाब वाली सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर इफ़ेक्ट करती है इस वजह से, ठीक है। तो समुद्र तट से दूरी, लेकिन सामान्यतः समुद्र तटों के समीप तापमान सम बना रहता है, इसके विपरीत समुद्र तटों से दूर जाने पर, समुद्र तटों से दूर जाने पर तापमान में, समुद्र तटों से दूर जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगती है। समुद्र तटों से दूर जाने पर तापमान में क्या होने लगती है भाई, वृद्धि होने लगती है। इसके बाद ये बात है, इसके बाद तीसरा टॉपिक हम, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, समुद्र के निकट जो तापमान सम रहता है, समुद्र से दूर जाने पर तापमान धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठंडे इलाके हैं वो बात अलग है, लेकिन अक्सर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र की, वो उस वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। इसके बाद देखते हैं हम अगली बात, इसको मिटा देता हूँ। अगला है भूमध्य रेखा से दूरी।
अगला क्या है? भूमध्य रेखा से दूरी या विकिरण का कोण। भूमध्य रेखा से दूरी या विकिरण का कोण। इसमें देखिए, इसमें लिखेंगे हम सामान्यतः सर्वाधिक तापमान और सूर्य ताप विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आने लगती है, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सौर विकिरणें सीधी पड़ती है एवं कम स्थान घेरती है, जबकि सौर विकिरणों के तिरछा होने पर अधिक स्थान घेरा जाता है, इसलिए कम तापमान की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या होता है भाई? कम ताप की प्राप्ति होती है वहाँ पर। लिख लीजिए आप इसको भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। इसको अभी समझेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा से दूरी, और विकिरण का कोण। इसमें लिखा हुआ है सामान्यतः सर्वाधिक जो तापमान है सूर्य का वो कहाँ पाया जाता है, सूर्य ताप विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, ये देखिए मैं आपको बना के बता रहा हूँ, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है बीच में, यहाँ पर मैंने बताया था ये कर्क और ये मकर, यहीं पर सूरज की स्थिति होती है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान कम हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तो वही बात है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाएगा, और क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य विकिरणें जो है सीधी पड़ती है और अन्य क्षेत्रों में सूर्य की विकिरणें जो है वो तिरछी पड़ती है। जहाँ पर सीधी पड़ेगी वहाँ पे ज़्यादा तापमान पाया जाएगा, जहाँ पे तिरछी पड़ेगी वहाँ पे कम तापमान की प्राप्ति होगी। इस वजह से क्या है, सूर्य की किरणें जो है ध्रुवीय क्षेत्रों पर तिरछी पड़ती है तो वहाँ पर तापमान की कम प्राप्ति होती है, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्थान घेरना पड़ता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए मोबाइल की टॉर्च है,
आपने मोबाइल की टॉर्च को छोड़ो, सूरज की रोशनी का सबके सबने इस्तेमाल किया होगा, आप सभी ने एक प्रैक्टिकल किया होगा, हमने हमारे ज़माने में तो किया है, उम्मीद है आपने भी किया होगा। एक कांच का टुकड़ा लेते हैं, वो कांच का टुकड़ा उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस अक्सर दादाजी के चश्मे का जो कांच होता है वो मिल जाता है, या फिर अन्य जो होता है अन्यों में दादाजी के चश्मे के अलावा अन्य कांच, जैसे घर में टूटे फूटे जो कांच बिखरे हुए रहते हैं वो होते हैं, वो जो कांच होते हैं वो कांच उसको आप लीजिए, सूर्य की किरणों के बीच में लेके आइए, उसके नीचे एक माचिस की तिली रखिए, ठीक है। आप क्या पाएंगे कि माचिस की जो तिली है, जो माचिस की तिली है, वो माचिस की तिली पे आप उसका फोकस कीजिए, बिल्कुल फोकस बोले तो बिल्कुल एक बारीक सा बिंदु आपको लगाना है, सूर्य की विकिरण उसमें छन के आएगी, तो आप क्या देखोगे थोड़ी ही देर में, बिल्कुल थोड़ी देर में वो तिली जल उठेगी। हमने उसके माध्यम से कागज़ भी जलाए हैं, हमने उसके माध्यम से कपड़े भी जलाए, मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस है ये, मैंने खुद उसके माध्यम से जलाए, क्योंकि सूर्य की किरणें जब एक स्थान पर एकत्रित होती है तो उसको कम स्थान घेरना पड़ता है और वो ज़्यादा तापमान वहाँ पर डालती है, जबकि वो विशालकाय सूरज का तापमान तो वैसे आ ही रहा है, सूरज का तापमान चारों तरफ फैला हुआ है, तो इतनी मात्रा में भयंकर तबाही नहीं मचाता हो। अगर एक जगह फोकस हो जाए सूरज का तापमान, मान लीजिए पूरे एक स्थान पे आ जाए, भारत पे सूरज का तापमान आ जाए पूरा, तो भारत जल के राख हो जाएगा एकदम से। वही है सूर्य का तापमान, सूर्य की किरणें अगर एक ही जगह फोकस करती है तो ज़्यादा तापमान होता है, और वो जो फैल जाती है तो कम तापमान की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे हम, इसको एक बार और चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा दूं, शायद आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए ये मान लीजिए ये कोई स्थान है, ठीक है, और ये सूरज की स्थिति है, ठीक है, सूरज की स्थिति है और ये कोई स्थान है। मान लीजिए सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही है, सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही है इस तरीके से, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तापमान प्राप्त करेगा ये, तो ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये स्थिति होती है जब सूरज कर्क रेखा पे चमकता है, सूरज विषुवत रेखा पे चमकता है, तो सीधी किरणें पड़ती है तो तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि इसी तरीके से मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है, ठीक है। अभी सूरज कहाँ है, भूमध्य रेखा के ऊपर, तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान प्राप्त हो रहा है। आप देखिए यही किरणें, ये चार किरणें हैं, ये चारों किरणें जब यहाँ आएगी तो क्या है, इनको ज़्यादा स्थान घेरना पड़ेगा, इसके मुकाबले में इसको इतना स्थान घेरना पड़ेगा, तो ये इतनी सी मात्रा में यहाँ एक ही जगह हो रही है और इतनी जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मान लीजिए ये चार गुलाब जामुन है, एक एक घेरे में बैठे हुए लोगों को चार गुलाब जामुन खिलाने हैं, तो एक घेरे में मुश्किल से एक या दो जने बैठ सकते हैं, छोटा सा घेरा है, पांच जने बैठ सकते हैं, तो उनको एक एक आसानी से आ जाएगा, दो दो आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतने बड़े गोले में तो बहुत सारे आदमी आ सकते हैं ना, हमारे पास गुलाब जामुन चार ही है, सूर्य की विकिरण तो वही आएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अंशों में चला जाएगा, इस वजह से यहाँ कम तापमान की प्राप्ति होगी, यहाँ पे ज़्यादा तापमान की प्राप्ति होगी। सेम वही कंडीशन यहाँ होगी, यहाँ होगी, इतना ज़्यादा मामला हो जाएगा यहाँ पे, तो ये दोनों क्षेत्र जो है बराबर तापमान की प्राप्ति करेंगे। जबकि इसके उलट स्थिति होगी, मान लीजिए सूरज की स्थिति कहाँ होगी, मकर रेखा के ऊपर। मकर रेखा पर सूरज कब चमकता है बोलो, दिसंबर में, कब चमकता है, दिसंबर में। सूरज की स्थिति मकर रेखा पर होगी तो यहाँ मकर रेखा पर बहुत ज़्यादा तापमान होगा, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला, इसको बहुत ज़्यादा तिरछी किरणें मिलेगी, बहुत ज़्यादा तिरछी किरणें मिलेगी, इतना बड़ा क्षेत्र कवर करेगी, तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत कम मात्रा में जो सूर्य विकिरण है वो पहुँचेगा, तो ये वाला क्षेत्र ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ जब सूरज दिसंबर में मकर रेखा के ऊपर होता है तो कर्क रेखा के आसपास वाला क्षेत्र बहुत ठंडा हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ सर्दियाँ पड़ती है दिसंबर के महीने में, ठीक है। बात समझने की है, उम्मीद है आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला कारक देखते हैं, अगला कारक क्या कहता है, अगला है सौर कर्लंकों की संख्या।
सौर कलंकों की संख्या, ये चौथा कारण है शायद, नंबर डाल लीजिएगा आप। सौर कलंकों की संख्या का मतलब देखिए, जिस तरीके से हम चांद को देखते हैं तो चांद में हमको धब्बे नज़र आते हैं, ठीक है, कुछ काले काले धब्बे नज़र आते हैं ना भाई, चांद में धब्बा होता है हमेशा, अगर धब्बा नहीं हो तो चांद हमको बिल्कुल वाइट नज़र आए, बिल्कुल चमकता हुआ चमकदार नज़र आए, चांद में कुछ धब्बे पाए जाते हैं, कहते हैं कि चांद यहाँ से टूटा था, इस तरीके से बहुत सारी प्रथाएँ हैं, वो बात अपन को लेने देने की नहीं है। बात यह है कि चांद में जो धब्बे पाए जाते हैं, इसी तरीके के धब्बे सूर्य में भी पाए जाते हैं, सूरज में भी इसी तरीके के धब्बे पाए जाते हैं, तो सूरज में जो धब्बे पाए जाते हैं उनको सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंकों की संख्या सूर्य में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा सूरज से तापमान की प्राप्ति होगी, उतना ही ज़्यादा सूरज चमकदार होगा, जितने ज़्यादा धब्बे होंगे उतने ही ज़्यादा सूरज चमकदार होगा, क्योंकि वो धब्बे जो हैं उस पर विखंडन और संलयन की प्रक्रिया होती है और टूटते फूटते रहते हैं, इस वजह से वो ऊष्मा को विकिरित करते रहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सूर्य में भी धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें सौर कलंकों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है, सौर कलंकों के नाम से जाना जाता है। जितने अधिक मात्रा में सौर कलंकों की, जितने अधिक मात्रा में सौर कलंकों की संख्या होगी, उतनी ज़्यादा ऊष्मा सूर्य उत्पन्न करेगा या उतना ज़्यादा तापमान सूर्य का होगा, ठीक है। तो सौर कलंकों की संख्या भी इसके अंदर बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो ये बातें थी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये सूर्य के तापमान को प्रभावित करने वाली मुख्य चीज़ें थी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आप सभी का जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो ये पेपर है, ध्यान रखिएगा, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस एक दो दिन में यूजीसी के द्वारा डाल दिया जाएगा, और अधूरा सिलेबस जो होगा, आधा सिलेबस, वो आधा सिलेबस डाल दिया जाएगा, यानी कि 50% सिलेबस आपका कम कर दिया जाएगा। डोंट वरी रहे आप, टेंशन ना लें, 50% सिलेबस आपका डाल दिया जाएगा, उस 50% सिलेबस को हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर दोबारा से हम नई चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जो यूजीसी हमको बताती है उन्हीं चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, जिसको हम सूर्य के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक या सूर्य के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने देखा, जिसमें सबसे पहले हमने देखा समुद्र तल से ऊंचाई को, ऊंचाई पर जाने पर सामान्यतः तापमान घटता है, ऊंचाई से नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है। तो हमने देखा कि सूर्य के तापमान को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। फिर हमने समुद्र तल से दूरी देखी, जैसे जैसे समुद्र तल के पास रहेंगे हम, नज़दीक रहेंगे, तो समुद्र तल के नज़दीक रहने पर तापमान सम रहेगा, जलवायु सम रहेगी, जैसे जैसे दूर जाने की कोशिश करेंगे तापमान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल नहीं आएगा, समुद्र तट आएगा, ठीक है। फिर हमने देखा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से दूरी, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान में कमी होती जाएगी, क्योंकि सौर विकिरणों की जो संख्या है वहाँ पे कम होती जाएगी, ठीक है। सौर विकिरणें ज़्यादा स्थान घेरेगी, इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर तापमान की कमी पाएगी।
तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हमको देखना है। उम्मीद है आज का ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कुछ और तथ्यों को हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।